पहुंचने के बाद जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने उनके हमने घर पे स्टे करना है, उनका बेसिकली शेफ और कुकिंग का काम है, तो ये काम शुरू कर देख रहे हैं। ये मेहर भाई अड़ंगेला में मिले थे तो इनकी तरफ से आज हम इनके पास स्टे करेंगे। इनका माशाल्लाह कुकिंग का काम है तो आते ही हमें कबाब सर्व किया। भाई हैं जी हमारे हमारे पास आए हैं अड़ंगेला में मुलाकात हुई। इनका बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत नाइस बंदे हैं, हमारा दिल किया इनसे दोबारा मिलने को। हकीकत बात है, मेहरबानी है जी इनकी। हमने कहा होटल में रहने से बेटर है मेहर भाई से मिलते हैं और गपशप लगाते हैं। तो मेहर भाई का माशाल्लाह शेफ कुकिंग का कैटरिंग का काम है, तो मेहर भाई कहते हैं यार दब के खाओ। ये पतीले पड़े हैं अभी लाइन से, आधा हम नहीं खा जा। टमाटर छाट रहा ओए, पहले कबाब पे आप मटन बाबा जी का नकाबल पहुंचे पिंडी सब ये तो और क्या चाहिए। बाबा जी के कलम पर बाबा जी किस किस ने खाना खाना भाई आ जाओ। चिकन कबाब मटन गाइस आ जाओ तको ना आ जाओ क्लाउडी वेदर हो रहा है, मरी में स्नो फॉल हो रही है, स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग हम निकल रहे हैं शहर से। तो रास्ते से मियाँ साहब फैसलाबाद निकल जाएंगे, मैं लाहौर निकल रहा हूँ। तो वंस अगेन उमेर भाई का बहुत शुक्रिया, उमेर भाई की हॉस्पिटैलिटी थी इनकी। इंशाल्लाह अब जाके सफ़र हमारा शुरू होगा, अब सीधी ड्राइव हमारी, तो इंशाल्लाह अब हम निकल रहे हैं। राहें जुदा होती होती और जुदा ही हो गई हैं। जी टी रोड पे खड़े हैं, पिंडी से निकले हम लोग, अब जी टी रोड पहुँच गए। अब यहाँ से जो है ना मियाँ साहब उस तरफ चकवाल निकलेंगे, मैं सीधा लाहौर, मैं शायद गुजरांवाला चले जाऊँ या लाहौर चले जाऊँ, अभी देखता हूँ आगे जाके, क्योंकि मेरा दोस्त था वो भी गुजरांवाला ही आ रहा है। तो मियाँ साहब को यहाँ से अलविदा और सोलो राइड हो गई। ये साहब आपके जाने के बस स्लो ही सोलो राइड ही हो रही है और आराम आराम से आ रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो अभी दीना रुका था बाइक की तरह, मैंने कहा चेंज और टाइट करवा लूँ, लुब्रिकेशन करवा लूँ। तो सो फार सो गुड, अभी यही है कि बस जैसे जैसे आगे आते जा रहे हैं तो गर्मी होती जा रही है, मौसम इतना गर्म है। तो ये यामा की फ्री है शॉप, अच्छा अखलाक है इनका, पानी शानी पिए रेस्ट करें, अभी इंजन को थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ, फिर आगे मूव करूँगा इंशाल्लाह। गर्म होता जा रहा है मौसम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो अभी तक सब कुछ जो है ना माशाल्लाह ठीक है। अकेला चला रहा हूँ, मियाँ साहब के बगैर उदासी हो रही है, तो क्या करें, चलाना तो पड़ेगा। लाला मूसा पहुँच गया हूँ मैं, और यहाँ पे कोई फेमस है मियाँ जी दाल वाले, मियाँ जी की मशहूर दाल वाले, तो वहाँ पे मैं स्टे किया है, दाल ऑर्डर किया, खाना खाऊँगा और जो ना फिर आगे मूव करूँगा। बाइक बहुत अच्छी चल रही है, सफ़र भी ठीक है, गर्मी है हर जगह लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, और ठीक है अकेले ड्राइव कर रहा हूँ। और रेस्टोरेंट ऐसा चीज़ तो है नहीं कुछ दिखाने वाला, ये मियाँ जी का रेस्टोरेंट होगा। सामने मेरी बाइक खड़ी है जिसको मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, और ये देखिए मेरी नोज पर ड्राइनेस हो रही है, पहाड़ी इलाकों का असरा नजर आ रहा है। लेट्स सी, आराम आराम से चला रहा हूँ, सफ़र भी ठीक हो सकता है और एक्साइटेड टू गो होम। खाना मैंने खा लिया, बहुत अच्छी थी दाल, रेट थोड़ा ज़्यादा था 230 रुपये, लेकिन जब मुझे पता लगा कि रोटियां सैलड भी उसी में था तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो 230 रुपये में बहुत अच्छी दाल थी, और प्याज की फुल प्लेट थी, फिर मैंने फ्रेश प्याज, फ्रेश जो है ना प्याज काट के, और साल चार भी था, पेट भर के खाया। ये बेसिकली लाला मूसा से 4 किलोमीटर पहले रोड पे आता, तो
रिकमेंडेड है 100%। अब सफ़र शुरू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं गुजरांवाला क्रॉस कर गया हूँ और स्टिंग ब्रेक लिया मैंने अभी। ड्राइव बहुत अच्छी थी, स्मूथ रही है, बस थोड़ा थोड़ा जो है ना वॉशरूम की ज़रूरत होती है और थोड़ा फ्रेश होने की फील होती तो फ्रेश हो गया, स्टिंग पी रहा हूँ। मैं लाहौर से भी 60 किलोमीटर दूर हूँ तो अभी तक मैंने सुबह से जो है ना पिंडी से मैंने 224 किलोमीटर ड्राइव कर लिए तकरीबन और सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। हाँ सुपर स्टार फिलिंग स्टेशन पर खड़ोते हैं PSO के सामने। तो मिस कर रहा हूँ PSO साहब को, किधर ड्राइव कर रहा हूँ तो लाहौर में सऊद साहब के पास हो गया मेरा ऑलमोस्ट अकोमोडेशन तो इंशाल्लाह लाहौर में बैरियर टाउन में रुकूँगा और कुछ है नहीं, बाइक की हालत देखते हैं। सफ़र इख्तितामों पे है, चांदा किला सफ़र इख्तितामों पे, नो डाउट मियाँ साहब को मिस कर रहा हूँ। मियाँ साहब हर दफ़ा ड्राइव कर जाता है लेकिन इस दफ़ा नहीं है, क्या करें अकेले ड्राइव करनी पड़ी है। स्टिंग नहीं आप तरसे सर। एट लास्ट आई रीच लाहौर और मैं नहा के फ्रेश हो गया हूँ, मैं दोस्त के घर हूँ इधर DHA के पास, Phase 5 के पास। तो सफ़र ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक था, बस अभी फ्रेश हुए हैं, अभी जाएंगे बाहर कोई सैर सपाटा करने, देखेंगे कहाँ जाते हैं। तो एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और लाहौर में एज यूजल ट्रैफिक और मट्टी बहुत ज़्यादा थी। मूड मेरा था कि मैं वीडियो बना लूँ लाहौर में या कवर करूँ रास्ते पे, लेकिन मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं मुझे इस घर के जहाँ मैं आया हूँ यहाँ का रास्ता मुझे पता नहीं था। तो मैं कंटिन्यूस GPS से मोबाइल यूज़ करता रहा, उतना तो मुझे नहीं आइडिया था कि कहाँ जाना कहाँ नहीं, तो क्योंकि मैं लाहौर के रास्तों से वाकिफ नहीं तो इस वजह से अब यही है, फिर मैं ज़्यादा कवर नहीं कर सका। बस यहाँ नाइट से करूँगा इंशाल्लाह, सुबह उठ के जाना मिलता है मेरी वापसी। YBZ में सफ़र कर करने के बाद जब फॉर्च्यूनर में बैठने का मौका मिला तो बंदे को मज़ा आ जाता है। अभी हम आउटिंग में निकले हुए लाहौर में, मौसम फिर भी कंफर्टेबल है, पिंडी के रास्ते में बहुत गर्मी हो गई थी, अभी काफ़ी कंफर्टेबल मौसम है तो अभी निकले इंजॉय करने के लिए। देखें कहाँ ले जाता है, बिलाल है मेरे साथ, थोड़ा कैमरा शायद इस वजह से। अरे ग्लोरिया जीन्स और बिलाल ने जो है ना सर PSO कश्मीर में तो बड़ा कुछ बड़ा अरसा कश्मीर में कुछ भी नहीं खाया कि अब ये खा के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा बचपन का दोस्त है बिलाल, ये ज़रा कैमरा शायद कम ही आता है कैमरे का तो बस मैंने कहा थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर करने, बड़ा रिलैक्सिंग माहौल है यहाँ पर। सो फार सो गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। इस वक्त 27 सितंबर संडे का दिन है, मैं स्टिल लाहौर में ही हूँ, बिलाल के पास ही हूँ और ठंडे इलाकों से आने के बाद जो है ना गर्मी में निकलने को दिल नहीं कर रहा, नीयत थोड़ी सी जो है ना वो सुस्त हुई पड़ी है मुल्तान जाने के लिए। तो कोई नहीं, टाइम किल कर रहा हूँ मैं बिलाल के साथ, ज़रा कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए थे, ग्रॉसरी उसने लेनी थी तो वो मुझे ले आया साथ। तो इंशाल्लाह देखिए अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर मुल्तान निकलूँगा। तो हालाँकि मौसम ठीक है लाहौर में, लेकिन फिर भी जो है ना ठंडे इलाकों से आने के बाद जो है ना गर्मी लग रही है, तो अभी भी आँखें मेरी सूज रही हैं, लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा है बिलाल के साथ। चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे फिर देखें, फ्रेश होकर मुल्तान जाता हूँ इंशाल्लाह।